Hello students, welcome to our class. So today we are going to start our 22 number chapter, that disturbing disease. कौन सी वाला केस है डिजीज होता है, क्यों डिजीज होता है? तो वन नंबर पर आ जाओ, टिक और भूल करना है, टिक मानना है, जो सही है टिक मानना है. टाइफाइड अफेक्ट लूज योर या इंटेस्टाइन्स. टाइफाइड नोज पे होता है या ईयर पे होता है? टाइफाइड नोज पे होता है क्या? नहीं होता है. ईयर पे होता है क्या? नहीं होता है. हमारा अंदर अंतर नली में होता है. अंतर नली को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन्स. ओके, देन टू नंबर पर आ जाओ, लिवर इज अफेक्टेड बाय. लिवर कैसे अफेक्ट, कौन सी वाला डिजीज होने से लिवर अफेक्ट होता है? जॉन्डिस. कॉमन कोल्ड फ्लो से नहीं होता है, लिवर अफेक्ट होता है जॉन्डिस से. थ्री नंबर पर आ जाओ, द बीसीजी वैक्सीन गिवन द चिल्ड्रन प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस. बीसीजी जो वैक्सीन क्यों दिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस, आप सबको पता है, बस इजी है ट्यूबरक्लोसिस. देन फोर नंबर पर आ जाओ, ए ड्रीडेड डिजीज दैट अफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है जैसे डिजीज, उसका नाम है एड्स. एड्स जो हमारा इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है. डायबिटीज अफेक्टेड द डैश लिवर पैनक्रीज और किडनी. डायबिटीज किसको अफेक्ट करता है? डायबिटीज आप सबको पता है पैनक्रियाज को हमारा करता है. पैनक्रियाज को अफेक्ट करता है कौन? डायबिटीज. द डीपीटी वैक्सीन इज गिवन द चिल्ड्रन प्रोटेक्ट फ्रॉम डैश. डीपीटी वैक्सीन क्यों देते हैं? डिप्थेरिया जो वैक्सीन, डिप्थेरिया. सेवन, ए डिजीज दैट अफेक्ट द आई लेंस. आई लेंस को अफेक्ट करता है, हमारा जो आई लेंस होता है उसको अफेक्ट करता है, उसका नाम है कैटाराक्ट. मैलेरिया नहीं है, इन्फ्लुएंजा. मैलेरिया से कौन होता है? कैटाराक्ट. एट नंबर पर आ जाओ, लॉन्ग आर अफेक्टेड बाय. लॉन्ग्स, हमारा जो लॉन्ग्स होते हैं क्यों अफेक्ट होते हैं? हाइपोटेंशन ना, डिसेंट्री ना, फ्लेमोनिया. कौन सी वाला अफेक्ट होता है? फ्लेमोनिया. फ्लेमोनिया से होता है. फिनोमोनिया, क्या? फिनोमोनिया. फिमेनिया नहीं, फिनोमोनिया से हमारा क्या लॉन्ग्स अफेक्ट होता है. डिजीज ऑफ गॉम्स इज डैश. हमारा जो गॉम्स से डिजीज कौन सी होता है, याद रखना इसको, पायरोहेया. पायरोहेया. देन द रेनोमेंटिसिम इज डिजीज ऑफ. रेनोमेंटिसिम डिजीज ऑफ जॉइंट. जॉइंट में होता है रेनोमेंटिसिम डिजीज. पता चल गया 10 नंबर तक. तो इसको याद करना, इसको सिर्फ याद करना पड़ेगा, कुछ इसका शॉर्टकट नहीं है, उसको याद करना पड़ेगा. उसको बार बार पढ़ो तो याद रह जाएगा, और लिख लो कॉपी में थोड़ा लिख लो तो याद रह जाएगा. ऐसे मैं आज कर से नहीं, ऐसे ऐसे पूरा नोट्स टाइप करोगे तो ये याद रह जाएगा. ओके, थैंक यू.